कि करवा चौथ के व्रत की पहले ही हमें कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा या वैसा खा लेती हैं तो मन कर चलिए, आपका व्रत भी टूट सकता है, इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। क्योंकि आज की वीडियो में कई सारी माताएं बहनें होती हैं जो ऐसी गलती कर देती हैं के दौरान, यानी कि व्रत से पहले आपको किन चीजों का सेवन जरूर की कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको आपकी व्रत का पूरा फल मिले और आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। पर उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि 2024 में करवा चौथ कितनी तारीख को पड़ रहा है और उससे जुड़ी खास जानकारी जो आपको जानना बेहद ही जरूरी और खास है, इसलिए आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए आपको हम भाई बता देते हैं, फिर हम जानेंगे कि करवा चौथ के व्रत से पहले आपको कौन सी चीज जरूरी खा लेनी चाहिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस दिन क्या करें और क्या नहीं। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक करना अनिवार्य माना जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सेहत की कामना करने के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ की तिथि इस साल चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन सुबह 6:46 के बाद शुरू होती है और इसका समापन 21 अक्टूबर को होता है। 2024 को सुबह 4:16 पर होगा करवा चौथ। शुभ मुहूर्त, करवा चौथ पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर सुबह 5:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:43 से लेकर 12:28 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय शाम 1:59 से लेकर 2:45 तक रहेगा। करवा चौथ पर चंद्रोदय, करवा चौथ पर चांद निकलने का समय 20 अक्टूबर को रात 7:54 पर बताया जा रहा है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में चांद दिखने का समय इससे थोड़ा अलग हो सकता है। अपने शहर के हिसाब से चांद निकलने का सही समय एक बार जरूर देख लें। करवा चौथ पूजन विधि और सामग्री, करवा चौथ के दिन स्नान आदि के बाद करवा चौथ व्रत और चौथ माता की पूजा का संकल्प लेते हैं। फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करते हैं। फिर पूजा के मुहूर्त में चौथ माता या मां गौरी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के समय उनको गंगा जल, नैवेद्य, धूप दीप, अक्षत, रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करते हैं। दोनों को श्रद्धा पूर्वक फल और हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य देते हैं और उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। करवा चौथ की सर्गी में क्या खाएं और क्यों खाएं? अगर आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं और दिन बीतते ही थकान और बीमार महसूस करती हैं, तो दिन भर आपकी एनर्जी बनाए रखने वाले फूड कौन से हैं? जानिए है, बॉलीवुड की हीरोइंस हों या फिर कोई भी इंडियन वुमेन, करवा चौथ का व्रत सभी के लिए बहुत खास होता है। स्पेशली उन लेडीज के लिए जिनकी नई शादी हुई है, उन्हें शायद ये नहीं पता कि सुबह उठकर क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। कुछ महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखने के बाद बीमार हो जाती हैं। करवा चौथ के व्रत दिन भर भूखा रखकर किया जाता है, इसलिए सुबह की सर्गी बेहद खास होती है। अगर आपने सुबह उठकर कुछ नहीं खाया तो आप बीमार हो सकती हैं, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको सुबह सूर्य उगने से पहले क्या खाना चाहिए। करवा चौथ की शुरुआत अगर आप ये सब खाकर करेंगी तो दिन भर थकान महसूस नहीं होगी और फिर आपको करवा चौथ स्पेशल मेकअप करने, कपड़े पहनने और सबके साथ गप्पे मारने में खूब मजा आएगा।
चलिए अब हम जान लेते हैं सर्गी किस प्रकार से ली जाती है और सिर्फ प्रकार से कौन सी चीज का सेवन हमें करवा चौथ के व्रत से पहले जरूर ही करना चाहिए। ऐसा भी सवालों के जवाब अब हम आपको बड़ी बड़ी से बता देते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, चेक करवा चौथ माता, करवा चौथ की सर्गी में दूध से बनी सेवई क्यों खाएं? हर सुहागन करवा चौथ का व्रत रखने से पहले सेवई खाती है। करवा चौथ से कुछ दिन पहले ही दुकानों पर सेवई बिकने लगती है। लेकिन करवा चौथ के लिए सेवई क्यों खानी चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सेवई खाना परंपरा नहीं है, बल्कि सेवई खाने के फायदे बहुत है। ये दूध से बनती है और दूध में प्रोटीन होता है, दिन भर आपके शरीर में प्रोटीन बनाए रखने के लिए। करवा चौथ की शुरुआत सेवई खाकर जरूर करें। करवा चौथ की सर्गी में मिठाई क्यों खाएं? दिन भर भूखा रहने से पेट में गैस बनती है। करवा चौथ की सुबह सर्गी में आप जो भी खाते हैं उससे हो सकता है कि दिन में आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, इसलिए खाने के बाद आप मिठाई जरूर खाएं, क्योंकि मिठाई में कार्बोहाइड्रेट होता है, चीनी में अमीनो एसिड ट्रिप्टोफन होता है, ट्रिप्टोफन सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ाता है, जिससे चक्कर नहीं आते। करवा चौथ की सर्गी में फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स क्यों खाएं? करवा चौथ का व्रत रखने से पहले फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जरूर खाएं। इसे खाने से आप दिन भर हेल्दी फील करेंगी, आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी। मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स खाने से आपको दिन भर के सारे विटामिन और मिनरल मिल जाएंगे, शुगर लेवल ठीक रहेगा, थकान महसूस नहीं होगी और आपकी एनर्जी बनी रहेगी। इसलिए आप सूर्य उगने से पहले ये जरूर खाकर अपना करवा चौथ का व्रत रखें। प्रिय भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चिंता किया जानकारी से वह लोग वंचित रह जाते हैं, इसलिए माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक भारतीय नागरिक का इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि हर एक व्यक्ति इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। करवा चौथ की सर्गी में नारियल का पानी क्यों पिए? नारियल पानी पीने से आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगी। करवा चौथ का व्रत बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए रखना होता है, ऐसे में दिन भर आपको प्यास ना लगे, इसलिए आप सुबह सर्गी के खाने के बाद सूर्योदय से पहले नारियल पानी जरूर पिए। करवा चौथ की सर्गी में रोटी और सब्जी क्यों खाएं? रोटी और सब्जी जरूर खाएं। रोटी गेहूं के आटे से बनती है, जो पचने में आसान होती है और दिन भर आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखती है। इसके साथ हरी सब्जी खाने से आपको सारे फाइबर्स भी मिल जाते हैं। रोटी और सब्जी खाने के बाद आपको दिन भर भूख नहीं लगती और आपकी एनर्जी भी बनी रहती है। करवा चौथ से एक दिन पहले ना खाएं ये चीजें, व्रत में हो सकती हैं। दिक्कत अगर आप करवा चौथ या किसी भी कठिन व्रत का संकल्प लेने जा रहे हैं तो एक दिन पहले कुछ चीजों का सख्त परहेज करना होगा। व्रत से एक दिन पहले ऐसी चीज बिल्कुल ना खाएं जिसे पचा पाना शरीर के लिए मुश्किल हो। ऐसे में मांस, फ्राई फूड और कई तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से बचना चाहिए। शरीर में फाइबर की पर्याप्त मात्रा इंसान की भूख को लंबे समय तक कंट्रोल कर सकती है, इसलिए व्रत से एक दिन पहले ऐसी चीजें खाएं जिनमें फाइबर ज्यादा होता है। इसके लिए एवोकाडो, दाल, राजमा, ओट्स और चिया सीड्स सबसे बेहतरीन चीजें होती हैं। करवा चौथ का व्रत सर्दी के मौसम में आ रहा है और इसी वक्त शरीर के डिहाइड्रेट होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। डिहाइड्रेशन के कारण थकावट, सिर चकराना, जी मिचलाना या मुंह के सूखने जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इसलिए व्रत से एक दिन पहले हाई वाटर कंटेंट वाली चीजें खाएं। खीरा, शिमला मिर्च, अजवायन, तरबूज और स्ट्रॉबेरीज इसमें बड़ी फायदेमंद हो सकती हैं। किसी भी व्रत को रखने से एक दिन पहले संबंधित व्यक्ति को खाने में नमक की मात्रा कम से कम रखनी चाहिए। शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा होने पर आपको बार बार प्यास लगेगी और गला सूखने लगेगा। व्रत से एक दिन पहले अचार, पापड़, चिप्स और कैन सूप जैसी चीजों से दूर ही रहें। खून में शुगर लेवल का कम या ज्यादा होना बड़ा खतरनाक है। अगर आप व्रत से एक दिन पहले ज्यादा मीठा खा रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम से ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगले दिन कुछ न खाने की वजह से वो वापस तेजी से नीचे आएगा। इससे थकान या सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है।
शुगर लेवल ज्यादा होने की वजह से आपको प्यास भी ज्यादा लगेगी और व्रत में मीठा खाने का भी दिल करेगा। व्रत वाले दिन शरीर को पूरी तरह से हाइड्रेट रखने की तैयारी आपको एक दिन पहले शुरू करनी होगी। व्रत से एक दिन पहले चाय या कॉफी पीने से बचें। कॉफी में पाए जाने वाला कैफीन बॉडी के हाइड्रेशन लेवल को तेजी से कम करता है। कॉफी की बजाय खूब पानी पिएं और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लिक्विड लें। नारियल पानी इसके लिए बेहतरीन विकल्प है। कुछ लोग व्रत से एक दिन पहले बेवजह अपनी खुराक बढ़ा लेते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से व्रत में उन्हें कम भूख लगेगी। ऐसा करना सही नहीं है। इससे शरीर आंतों में गए भोजन को पचा नहीं पाएगा और पाचन क्रिया पर भी बुरा असर होगा। करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो भूल से भी न करें। ये 9 काम पति पत्नी के बीच आपसी प्यार और समझ को बढ़ाने वाला त्योहार है। जिंदगी की भाग दौड़ के बीच दरकते रिश्तों को फिर से सहेजने के पल देते हैं भारतीय त्योहार और रीति रिवाज। इस प्यार के पर्व और रिश्ते के प्रति समर्पण वाले दिन अनजाने में भी कोई ऐसा काम न करें जिससे इस व्रत का पुण्य और प्रभाव कम होता हो। कौन से काम नहीं करने चाहिए चौथ के व्रत के दौरान, जानें। यहां प्रिय भक्तों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता ना लिखा हो तो जरूर से लिख दीजिए और इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक अवश्य ही करें। पहले शाम तक अपनी रसोई और घर से कैंची हटाकर रख देना चाहिए। कैंची को ऐसी जगह रखें जहां आसानी से आपकी नजर न पड़े, ताकि भूल से भी आप व्रत के दौरान कैंची न चलाएं और कोई कपड़ा या सब्जी कैंची से न काटें, इनका दान न करें। करवा चौथ के व्रत के दिन आप सफेद और चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करने से बचना चाहिए, जैसे सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही, सफेद मिठाई, नारियल आदि का दान न करें। ऐसे कपड़े न पहनें। सुबह के समय संकल्प करते समय आप ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिनमें काला या नीला रंग हो। काले रंग से विशेष परहेज करें। साथ ही पूरी तरह सफेद कपड़े भी न पहने। पूरे दिन और व्रत खोलते समय भी चटक रंगों के कपड़े पहने। ये सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। सुई धागे को भूल जाएं। करवा चौथ के व्रत के दिन जितना हो सके नुकीली चीजों का प्रयोग न करना चाहिए। सुई धागे का काम आज न करें। कढ़ाई, सिलाई या बटन टाकने का काम व्रत में न करें। मन वचन से पवित्र रहें। करवा चौथ के व्रत के दिन खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह शांत और पवित्र रखें। किसी भी तरह की नकारात्मकता को हावी न होने दें। किसी से बहस न करें और कटु वचन न बोलें। सुबह उठते ही ऐसा न करें। व्रत के दिन सुबह उठते ही आईना न देखें। कई लोगों को आदत होती है कि वे सुबह उठते ही सबसे पहले अपना चेहरा कांच में देखते हैं। ऐसा न करें। आंख खुलते ही अपनी हथेलियां देखें। अपने ईष्ट देव का ध्यान करें। इन पर न डालें नजर। सुबह उठते ही अक्सर लोग बेड से उतरने के लिए चप्पलें देखते हैं। ऐसा न करें। दिन की शुरुआत में चप्पल न देखें और घर में चप्पलें बिखरी भी न रहने दें। कहा जाता है कि घर में बिखरी हुई चप्पलें परिवार में कलह का कारण बनती हैं। ये खेल न खेले। अगर आप ताश या इससे जुड़े दूसरे खेल खेलती हैं तो आज इन्हें न खेलें। स्मोकिंग या ड्रिंक की आदत है तो आज इनसे जरूर परहेज करें। सुहाग का सामान न फेंके। हो सकता है कि लंबे समय से आपको अपनी ड्रेसिंग टेबल को साफ करने का वक्त न मिला हो और आप करवा चौथ के दिन मिले समय में इसकी सफाई में जुट जाए। अगर ऐसा कर रही हैं तो ध्यान रखें कि एक्सपायर हो चुका, पुराना या टूटा हुआ सुहाग की सामग्री से जुड़ा कोई भी सामान आज के दिन फेंके नहीं। इन्हें निकालकर अलग रख दें और कभी बाद में फेंक दें।